था आशीष, दो क्वेश्चंस होंगे, एक तो अबॉट और नोवार्टिस, टेक्निकली इन दोनों में से कोई आपको कमजोर लग रहा है क्या? और दूसरा ये, कल बहुत सारे ऐसे फार्मा स्टॉक्स थे जहां पर पिछले 2-3 दिनों में हमने अच्छा रुझान देखा है, डिशमैन फार्मा, विवमेड लैब्स, इन स्टॉक्स में अच्छी वाइब्रेंसी रही, टॉरेंट फार्मा एक और स्टॉक, एक लॉन्ग ट्रेड और एक शॉर्ट ट्रेड, आपकी क्या रहेगी आज फार्मा में? पहले इन दोनों स्टॉक के ऊपर बात करते हैं, नोवार्टिस और अबॉट इंडिया। अगर दोनों का चार्ट देखते हैं तो बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन के बाद में एक बेरिश मोमेंटम इन दोनों स्टॉक्स में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इन दोनों में से अगर किसी में ट्रेड करना है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि नोवार्टिस में शॉर्ट पोजिशन आज के लिए ली जा सकती है। इसके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा करीबन 672 का, और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है वो है 650 का। लॉन्ग ट्रेड अगर फार्मा में हमें लेना है तो मैं मानता हूं कि दो स्टॉक है, उनमें से एक कोई स्टॉक हम चुन सकते हैं, उसमें से एक होगा पीएल, डायरेक्टली फार्मा से नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है कि जो एक बहुत ही अच्छी मूव हमें अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकती है। करीबन 1844 लेवल पे ये स्टॉक कल के एक मार्केट में बंद हुआ था, ये बाय कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रिकमेंड करूंगा वो होगा 1820 रुपए का, और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है 1880 का है।